हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीएससी आईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन्स लेंगे कि एग्जैक्टली बीएससी आईटी होता क्या है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सा सिलेबस होता है और जॉब के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सो बीएससी आईटी में बेसिकली दो तीन ब्रांचेस होती है गाइस। यहाँ पर मैं आपको एक ट्री स्ट्रक्चर के ज़रिए समझा दूंगा कि बीएससी आईटी होता क्या है। बीएससी आईटी में एक तो आपको कोर में जाना पड़ेगा। कोर में मतलब जहाँ पर आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, और एडवांस जावा ये कोर्सेस रहेंगे। तो ये सारा जो पार्ट है वो कोडिंग का है, यानी जो कोर डेवलपर टीम रहती है वो इस एरिया में काम करती है। दूसरी ओर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी आईएमएस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। आईएमएस में लोग एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करते हैं। यहाँ पर तीन बेसिक सेक्टर है जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको विंडोज़ का नॉलेज मिलेगा, लिनक्स का नॉलेज मिलेगा और उसके बाद आपको नेटवर्किंग का नॉलेज मिलेगा। अभी कोर और आईएमएस ये दो बेसिक टॉपिक्स है जो बीएससी आईटी में आपको पढ़ाए जाते हैं। इन बिटवीन दैट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ब्रांच काम करते हैं गाइस, जो ना कि डेवलपर होता है और ना भी आईएमएस का आदमी होता है। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नई ब्रांच, जहाँ पर हम कोडर को जैसे पीएचपी, डॉटनेट, ओरेकल, मेनफ्रेम, ये जो लोग होते हैं ये सर्वर पे ही काम करते हैं। डॉटनेट की बात करूँ या फिर ओरेकल की बात करूँ, सो यहाँ पर कोर का भी उनको नॉलेज होता है और उनको आईएमएस का भी नॉलेज होता है। सो अगर किसी सर्वर की स्क्रिप्टिंग करनी हो तो ये लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग जावा, सी, सी प्लस प्लस सब चीज़ें जानते हैं और वो आईएमएस के बारे में भी जानते हैं कि एग्जैक्टली आईएमएस कैसे वर्क करता है। तो जब आप बीएससी आईटी को ज्वाइन करेंगे, बीएससी आईटी कोर्स करेंगे, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। एग्जैक्टली आपको कोर में काम करना है, आपको इन बिटवीन या आईएमएस में काम करना है या फिर इन बिटवीन दैट टू। बहुत सारे लोग कोर में काम करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत आईएमएस का नॉलेज होता है तो डायरेक्टली वो एज अ इन बिटवीन कोर एंड आईएमएस जो एक टीम होती है जहाँ पर स्क्रिप्टिंग ये वो चीज़ें होती है सर्वर की, तो उस पर लगते हैं। इस पर पेमेंट की बात करूँगा गाइस, तो इन बिटवीन जो पर्सन होता है उसकी पेमेंट सबसे हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल प्रोग्रामिंग का होता है और उस बंदे को हार्डवेयर का पूरा नॉलेज होता है। सो कोर्स करते टाइम फोकस इन चीज़ों पर कीजिए, क्योंकि बीएससी में ये तीनों भी टॉपिक्स होते हैं। आपको पीएचपी, डॉटनेट, ओरेकल, जावा, उसके बाद विंडोज़, रेड हैट और नेटवर्किंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर या एक एक सब्जेक्ट्स होता है। बेसिकली उसमें 8-10 चैप्टर होंगे, पूरा तो नॉलेज नहीं मिलता लेकिन आपको कंसेप्चुअली चीज़ें पता चलती है कि ये चीज़ें कैसे होती है। सो होप अगर उस टाइम आप सही डिसीजन लेंगे तो आगे चल के आपको करियर चॉइस करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी गाइस। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।